हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो लास्ट टाइम भी मैंने उत्तरायण ब्लॉग 2021 अपलोड किया था, सो आई थॉट कि आई शुड मेक अनदर वन टू दैट विल बी उत्तरायण 2022। ओके, सो टुडे इज 13 जैन 2022। ओके, तो अभी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बताती हूँ मैं आप लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे वर्स्ट पार्ट जो लगता है मुझे, क्योंकि मैं पहली बार अभी ऐसे किन्नर बांध रही हूँ, छोटू बांध रहा है और अभी अम्मा यहाँ पर रेडी कर रही हैं, तो इसके लिए कोई मशीन वशीन आनी चाहिए गाइस, बिकॉज दिस इज़ सो बोरिंग थिंग। क्योंकि इतनी सारी पतंगें होती हैं और हमें ये करना होता है, और ये थोड़ा टायरिंग लगता है मुझे तो, और कटने में तो क्या 2 सेकेंड में कट जाती है, और इतनी मेहनत, उफ। लेकिन ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक थिंग है, सब लोगों के घरों में उत्तरायण के एक दिन पहले ये सब तैयारी की जाती है। सो या वी आर ऑल्सो डूइंग दिस। ओके, तो बाय, मिलते हैं कल सुबह। क्या क्या होता है खाने में, क्या बनता है वो बताती हूँ आपको। बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट इज़ 14 जैन, तो सुबह हो चुकी है, सुबह के 9 बज चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट उत्तरायण इज़ दैट कि हमें थोड़ा देर तक सोने मिलता है ना। तो बस अभी हम लोगों का मॉर्निंग रिचुअल हमारे घर में ये होता है कि जिस दिन उत्तरायण होता है उस दिन भजिए बनते हैं, दाल के जो गुजराती में दाल वड़े बोलते हैं वो बनते हैं, बेसन के भजिए बोलते हैं वो बनते हैं, दही वड़े बनते हैं, वो सब बनते हैं। बताती हूँ आप लोगों को, मम्मी बना रही हैं लाइव, सब लोग खा रहे हैं। तो ये रही मम्मी जी, और ये इस बार हम लोगों ने रेडी कर लिया था पहले से ही ना, नहीं तो कल लास्ट टाइम सुबह सुबह ही रेडी कर रही थी मम्मी। ये है दाल वड़े, और ये रेडी बन हो रहे हैं, ये बन रही है चाय। तो सो रही थी ना, ठीक है, मैं तो सो रही थी 9 बजे तक। अभी ये देखते हैं, ये देखिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसन के, ये दाल के, गुंजन चाय। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है, दाल वड़े, भजिए और चक्की चिक्की। अभी हम जाते हैं ऊपर देखने के लिए, यहाँ पर अभी तो 9:30 बजे में तो ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं, ऑब्वियसली दोपहर में आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे क्या, छोटे बच्चे जो होते हैं एंथुजियास्टिक, वो लोग डेफिनेटली अभी चका रहे होंगे। उनमें से एक मेरा भाई भी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे घर में सिर्फ ये चेंज आया है कि हम सेकेंड फ्लोर वाली छत थी, लास्ट टाइम छत थी, अभी 3rd फ्लोर पर जा चुकी है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, छोटे बच्चे ही चका रहे हैं, कोई बड़े लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। मेरा भाई जो है ना एक और एंथुसियास्टिक, मैं आऊँगी नहा करके, ये गधा तो 4:45 बजे से अलार्म लगा के बैठा है, नहा धो के रेडी हो चुका है। और ये दीपू, हाय दीपू, हाय करो, हाय हाय हाय। My heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. दोस्तों अपडेट ये है कि हमारे घर में पहुंच चुके हैं दही बड़े। जी हाँ, हमारे यहाँ पे दही बड़े रोज बनाए, मतलब हर उत्तरायण को बनाए जाते हैं। दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, शाम के 5:30 जितने हो गए, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, चलो बाय। हेलो, हाय, हाय हर्ष, हाय। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. All the way. This is what I keep doing. ये गुज्जू के नाम पे धब्बा है, इसे 10 मिनट हो गया, पतंग नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर गुज्जू है तो पतंग अच्छी लगानी आनी चाहिए। ये क्या लॉजिक है आपका? ये लॉजिक है। चलिए ट्राई करते हैं। दोस्तों इवनिंग आ चुकी है उत्तरायण की,
एंड इस बार होपफुली यहाँ पर मतलब बलून ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने हर साल होते हैं, लेकिन काफ़ी हैं यहाँ पर, दो तीन हैं, और यहाँ पे सब लाइटिंग हो रही है, फेस्टिवल्स पटाखे जैसे यानी सेकंड दिवाली टाइप हो जाता है शो देखो। एंड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल 15th से शेयर, ओके। तो देखो ये व्यू देखो, डे टू मैंने एक पतंग चकाई जो कि कट चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ नीचे नहाने के लिए, फिर आती हूँ वापस, ठीक है, बाय बाय। तो ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा डे टू, नॉर्मली है, कल से एकदम सन्नाटा खिंच जाएगा, और छोटा दूसरे की छत पे गया है। So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Okay guys, so I'm ending this vlog here. 15 Jan. Okay, जल्दी डेल आउट दी पार्ट 4 आएगा, कर भी देखना, और लाइक करो, बाय। चमक चमक चलो कैसा।